आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में डीसम फंक्शन का क्या काम होता है। तो डीसम का मतलब है कि आप ग्रुप वाइज जोड़ सकते हैं। हम आपको सम फंक्शन बनाना बताएं, आप सम करना जानते हैं कि आप कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये सपोज कीजिए कि ये कोई फील्ड है, इसमें कम और ज़्यादा उसका टोटल जोड़ क्या होता है। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोगों को डी फंक्शन का कंसेप्ट होता है, या डी फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो डी फंक्शन कंडीशनल होता है, ये आपको कंडीशन के साथ काम करेगा। सपोज कीजिए कि हमारा एक ये डाटाबेस बना हुआ है, हम इसमें हिंदी का ही चाहते हैं कि 70 से ज़्यादा जो भी मार्क्स है उसका जोड़ हमको एक साथ दो। तो इस टाइप का काम करने के लिए कॉलम का ग्रुप कहिए एक तरह से जोड़ने के लिए हम लोग को डी फंक्शन का हम लोग जरूरत कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कॉलम बेस्ड कंडीशन। ये करेगा आपको डी सम करेगा इक्वल टू एड नंबर ऑफ कॉलम बेस्ड कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूला में आप आइए, इस फॉर्मूला में आकर के आप इंसर्ट फंक्शन कीजिए। आप इंसर्ट फंक्शन जो ही करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए देता है, तो इसी में हम लोग डी सम लिख करके आप इसको गो कीजिए, मतलब खोजिए। आप जो ही डी फंक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ दिया, अब आप इसको ओके कीजिए। तो डी फंक्शन किए तो सबसे पहले लिखता है डाटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। तो डाटाबेस मतलब कहाँ से करना है। सपोज कीजिए कि हम लोग को यहाँ से छांटना है, दे दिए फील्ड, पूछता है किस फील्ड का। सपोज कीजिए कि हमको हिंदी का चाहिए, और क्राइटेरिया में मतलब कंडीशन। तो कंडीशन हम देते हैं कि हिंदी का ग्रेटर देन 70, जो हिंदी में 70 से ज़्यादा मार्क्स है उसको आप हमको जोड़ दो। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा 180, इसके बारे में लिखता भी है। एड डी सम के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो लिखता है एड द नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डाटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। मतलब आप जो कंडीशन डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से इसका ही जोड़ करके देगा। आप यहाँ पे क्राइटेरिया में भी कर सकते हैं, लिखता है क्राइटेरिया इज द रेंज ऑफ सेल दैट कंटेंट्स द कंडीशनल यू स्पेसिफाई। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया दे दिए और आप ओके कर लीजिए। जो ही ओके किए तो देखिए हमारा यहाँ 180 जोड़ के आया। तो 180 आ गया, इसका मतलब है कि इसका जोड़ दिया। हम यहाँ पे इंडिकेशन कर दिए हैं 85 और 95। अब आप इसको जोड़ के देख भी सकते हैं इक्वल टू लगा के। सपोज कीजिए कि इक्वल टू दीजिए और 85 प्लस 95 हमारा है, और जो ही लिख के इंटर मारेंगे देखिए 180 आया। तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम का कंडीशन के साथ अगर जोड़ निकालना है या ऐड करना है तो आप डी फंक्शन का यूज करके आप देख सकते हैं। ये कंडीशन तो ये है। दूसरा है कि अगर हम फॉर्मूला नहीं खोले तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिखिए इज इक्वल टू डी सम लिखते हैं, अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे डाटाबेस कहता है तो फिर वही बात, आप इस डाटाबेस का आप ब्लॉक बनाए, फिर कॉमा दीजिए, फिर पूछता है तो इसी फील्ड पे क्लिक कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, और क्राइटेरिया पूछता है, यहाँ पे लिखता है क्राइटेरिया। वही बात, आप इस क्राइटेरिया को पकड़ के यहाँ पे देके आप ब्रैकेट बंद कीजिए और यहीं पे आप इंटर मार दीजिए। ये देखिए हमारा ऐसे भी दे दिया। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का, सपोज कीजिए कि हम लोग बायोलॉजी में चाहते हैं 50 से ज़्यादा या 50 से कम, तो फिर वही बात, आप यहीं पर कंडीशन हम लिखते हैं बायोलॉजी लिखिए। आप यहाँ पे लेस देन हम देते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी डाटा है हम चाहते हैं कि 70 से कम या 50 से कम वाला जो डाटा होगा वो जोड़ के दिखाए, तो आप लिखिए। फिर वही बात, आप जहाँ चाहिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम चाहिए, हम लिखते हैं इक्वल टू डी सम लिखते हैं, आप ब्रैकेट दीजिए, फिर वही आप इसको रेंज दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। अब किसका, तो हम यहाँ से
बायोलॉजी पर क्लिक कर देते हैं, फिर कॉमा दीजिए और अब आपका क्राइटेरिया मतलब कंडीशन पूछता है बायोलॉजी लेस देन 50 दे दीजिए और आप ब्रैकेट बंद करके यहीं से आप इंटर मारिए। देखिए 181 जोड़ के दिया। अब समझने के लिए जो हमारा 50 से कम है बायोलॉजी है इसको होम में चल के रेड कीजिए, 50 से कम वाला 39 है इसको सपोज कीजिए कि रेड कीजिए, और दो ही है और 47 भी है इसको भी आप ऐड कीजिए और आपको इसमें अब नहीं है, तो आप अलग से इसको जोड़ के देखिए कि इतना पुरता है कि नहीं, हमारा आंसर सही है कि नहीं। इक्वल टू करिए 45 प्लस 47 प्लस 39, आप जो ही लिख के इंटर मारेंगे देखिए 131 आया। इसका मतलब है कि डी सम फॉर्मूला जो करता है कंडीशन के साथ किसी खास पार्टिकुलर कॉलम का जोड़ करके देता है, कम और ज्यादा आप जो इससे चाहिए उसके हिसाब से देता है। तो हम ये देखें कि डी सम फॉर्मूला के माध्यम से हम बायोलॉजी के अंदर का तो सारा जोड़ता ही है, सारा जोड़ अगर हम निकालें तो यहाँ पर इसके नीचे जोड़ ही देगा, लेकिन हमको सब जोड़ नहीं चाहिए, हमको वैसा जोड़ चाहिए कि जो 50 से ज़्यादा होगा इस टाइप का जोड़ करना होगा, तो हम लोग डी सम फॉर्मूला का लगा कर देखें। तो आप चाहे तो यहाँ से निकालें या आप फॉर्मूला में जाके इंसर्ट फंक्शन में जाकर के डी फंक्शन के माध्यम से निकाले, आप जहाँ से निकाले आप डी फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। कोलुमनर जोड़ता है किसी भी चीज़ में, या आप दूसरे कंसेप्ट में कहें कि किसी भी चीज़ का प्राइस वगैरह जानना होता आप जान सकते हैं कि हमारा इतना वैल्यू का सामान या इतना प्राइस का वैल्यू का इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ या क्वांटिटी बचा हुआ है, तो इस टाइप का यूज करने के लिए हम लोग डी फंक्शन का यूज करके देखेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर में डी सम फंक्शन का क्या काम है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।